नमस्कार दोस्तों, आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ IRCTC रेल ट्रेन के बारे में। दोस्तों, काफ़ी लोग होते हैं जिनके दोस्तों मन में ये सवाल होता है कि वो जब कहीं अपनी जर्नी करें तो वो अपने मन मुताबिक अपने हिसाब से अपनी पसंद की सीट कैसे बुक करें। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी लोग ये सोचते हैं कि जब भी वो कहीं जर्नी करने जाएँ, कहीं घूमने जाएँ, तो उन्हें दोस्तों वही सीट मिले जिसे वो पसंद करते हैं, जो उन्हें अच्छी लगती है। क्योंकि काफ़ी लोगों को दोस्तों अपर सीट अच्छी लगती है जिसमें दोस्तों वो आराम से सो के जा सकें, और काफ़ी लोगों को दोस्तों नीचे की सीट अच्छी लगती है जिसे दोस्तों आप लोअर क्लास बोलते हैं, लोअर सीट। और काफ़ी लोगों को दोस्तों साइड अपर सीट अच्छी लगती है। तो आप अपने मन मुताबिक कैसे कोई भी सीट अपनी ट्रेन जर्नी में दोस्तों बुक कर सकते हो, जो मैं आपको आज वीडियो में बताने वाला हूँ, और आपको टिकट बुक करके भी दिखाऊंगा कि कैसे आप अपनी पसंद की सीट वाली टिकट को बुक कर सकते हो। तो दोस्तों सबसे पहले क्या करना है, दोस्तों आपको अपनी जर्नी सिलेक्ट कर लेनी है कि आपको घूमने कब जाना है, कहाँ जाना है। तो फॉर एग्जांपल दोस्तों, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ कि आपको इस तरीके से अपने आगे की जर्नी को, जो आप कहीं एक दो महीने बाद घूमने जाना चाहते हो, तो कैसे कर सकते हो। तो अभी देखो अप्रैल चल रहा है, अप्रैल मंथ आ गया, आपको करना है आगे। जैसे मैं आपको एग्जांपल दिखा रहा हूँ, जी मैंने 10 अगस्त कर दिया, ओके कर दिया। और दोस्तों आगरा कैंट से कटरा की मैं ट्रेन सर्च कर रहा हूँ 10 अगस्त की, जो दोस्तों अब से कुछ 3-4 महीने बाद पड़ेगा। तो मैं सर्च ट्रेन पर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पर जितनी भी ट्रेन है 10 अगस्त को चलने वाली कटरा तक की, वो दोस्तों यहाँ पर सो रही हैं। तो देखिए कई ट्रेन है, 3-4 ट्रेन दोस्तों यहाँ पर दिखाई जा रही हैं। तो मैं एग्जाम्पल के दोस्तों आपको ये देखिए, यहाँ पे जियो ट्रेन है 16787 नंबर वाली, मैं इसको आपको बुक करके दिखाता हूँ एग्जाम्पल के लिए। तो यहाँ देखिए दोस्तों, 4 सीट अवेलेबल दिखा रहा है। तो हमें क्या करना है, हमें यहाँ पे, मैंने दोस्तों यहाँ पर सेकंड एसी की टिकट को बुक करके दिखा रहा हूँ मैं आपको। तो अभी यहाँ पे इसकी जो किराया दोस्तों वो 1700 रुपये एक टिकट की। तो मैं यहाँ पे पैसेंजर डिटेल डालता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ, आपको एग्री कर देना है, फिर आपको ओके कर देना है। अब यहाँ दोस्तों आपको पैसेंजर एड करना है। तो यहाँ देखिए 4 सीट अवेलेबल है, जो ट्रेन है दोस्तों 10 अगस्त की मैं कर रहा हूँ, 10 अगस्त को चलेगी शाम को 5 बजे, और अगले दिन 11 अगस्त को सुबह 10:30 बजे आपको कटरा पहुँचा देगी। तो दोस्तों आपको क्या करना है, आपको यहाँ पर प्लस एड न्यू इस पर क्लिक करना है, क्योंकि इसी पे दोस्तों आपको अपना पैसेंजर डिटेल डालना है। और इसके नीचे दोस्तों जो और ऑप्शन आ रहे हैं, जो दोस्तों बच्चों वाले हैं, जैसे दोस्तों आपके साथ कोई आपका बच्चा वगैरह साथ जा रहा है, तो आपको उसकी टिकट भी लेनी है, तब आपको इस पर क्लिक करना है। तो मैं यहाँ पे 8+8 इस पर क्लिक करता हूँ, और यहाँ दोस्तों मैं डिटेल डालता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। अब दोस्तों आपको क्या करना है, अपनी पसंद की सीट के लिए मेन चीज़ जो होती है, अब यहाँ आती है, आपको ये लिखा हुआ है आ रहा है, देखिए बर्थ प्रेफरेंस, आपको इसी पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ देखिए, अगर आप कुछ भी इसे सेलेक्ट नहीं करते, नो प्रेफरेंस पे क्लिक कर देते हो, फिर तो दोस्तों रेलवे की तरफ से आपको वो कोई भी सीट प्रोवाइड कर देंगे जो भी उन्हें ठीक लगेगी। बट अगर आप इसमें कोई भी सीट सेलेक्ट करते हो तो आपको वही सीट मिलेगी। दोस्तों फॉर एग्जाम्पल मैं करता हूँ लोअर सीट, दोस्तों इसमें कई ऑप्शन होते हैं, देखिए साइड लोअर, साइड अपर, अपर लोअर। तो मैं करता हूँ दोस्तों लोअर, क्योंकि दोस्तों आपको पता है सेकंड एसी में सिर्फ एक साइड में दो ही सीट होती हैं, अपर और लोअर, मिडिल वाली नहीं होती। तो मैं लोअर करता हूँ, और लोअर करने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, आपको 8 पैसेंजर पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ दोस्तों देखिए, हमारा एक पैसेंजर एड हो चुका है, जिसमें दोस्तों उमर और दोस्तों नाम आ चुका है। अब दोस्तों अगर आपको इसके साथ और भी पैसेंजर ऐड करना है, तो आपको फिर से प्लस न्यू पे ऐड कर देना है। तो इसी तरीके दोस्तों आप जितने भी टिकट बुक करना चाहते हो, जितने भी पैसेंजर आप एक साथ टिकट बुक करना चाहते हो, आपको इसी तरीके से एक करके ऐड करना है। अब दोस्तों आपको क्या करना है, यहाँ तक दोस्तों आपको हो चुका है, आपने पैसेंजर ऐड कर दिए। अब यहाँ दोस्तों ऑप्शन आ रहा है नीचे अदर प्रेफरेंस का, इसमें दोस्तों ऑप्शन आ रहे हैं दो कि आपकी टिकट कब बुक होनी चाहिए। अगर आप इस पर क्लिक करते हो नीचे वाले पे, बुक ओनली इफ कन्फर्म बर्थ आर अलाउड इलेक्टेड,
दोस्तों, अगर आप इस पर क्लिक करते हो फिर दोस्तों आपकी टिकट जो आपने सिलेक्ट की है वही टिकट अगर अवेलेबल होंगी तभी बुक होगी। और दोस्तों, अगर आप ऊपर वाले पर करते हो तो अगर आपने टिकट बुक की है, अगर वो सीट आपको अवेलेबल नहीं मिलेंगी तो ट्रेन की तरफ से आपको कोई भी सीट दे दी जाएगी, जो दूसरा पहले वाले का ऑप्शन ये है। अब दोस्तों, इसको छोड़ के आपको करना है रिजर्वेशन चॉइस पे, इस पर दोस्तों नन है, आपको इस पर क्लिक कर देना है। यहाँ क्लिक करने का दोस्तों देखिए तीन चार ऑप्शन आ रहे हैं। अगर आप पहले वाले पे ही रहने देते हो फिर दोस्तों आपने टिकट बुक की है जो सिलेक्ट की है सीट, अगर वो मिलती हैं तो कोई दिक्कत नहीं, अगर नहीं मिलती तो ट्रेन की तरफ से आपको कोई भी सीट दे दी जाएगी सेकेंड एसी में। बट अगर आप चाहते हो कि आपने जो सीट बुक की है, आपने सेलेक्ट की है, अगर आप वही टिकट लेना चाहते हो और वही मिले तो ही बुक हो, तो दोस्तों आपको यहाँ से अपनी पसंद सिलेक्ट कर लेनी है। जैसे दोस्तों आपको दूसरे वाले में ऑप्शन आ रहा है कि भले ही हमें सेम सीट ना मिले जो हमें बुक की है, लेकिन हमें कोच वही मिलना चाहिए, डिब्बा वही मिलना चाहिए जिसमें हमने सीट सिलेक्ट की है। दूसरे वाले का ऑप्शन दोस्तों कम से कम एक सीट तो हमें वो मिल ही जानी चाहिए जो हमने सेलेक्ट की है। और सबसे लास्ट वाले का ऑप्शन दोस्तों ये है कि हमने दोनों सीट एक जो बुक की हैं वही मिलनी चाहिए तभी हमारी टिकट कंफर्म हो। तो आप अपने हिसाब से इसमें जो आपने बुक की है, जो सिलेक्ट की है वही मिल जाए, जो सिलेक्ट करोगे वही आपको मिल जाएगी। तो मैं दोस्तों एग्जांपल के लिए आपको ये कर देता हूँ, ये वाली कि कम से कम हमें वो सीट तो मिली जाए, दोनों में से एक तो मिली जाए जो हमने सिलेक्ट की है। अब इसके बाद दोस्तों आपको ये ऊपर ऑप्शन आ रहा है इंटर प्रेफर्ड कोच नंबर, तो दोस्तों इसको आपको छोड़ देना है, क्योंकि अगर आप स्लीपर में सफ़र करना चाहते हो फिर तो उसमें आपको 7-8 डिब्बे मिलते हैं स्लीपर के, S8, S1, 8-7 ऐसे करके, लेकिन सेकंड डे से दोस्तों एक ही डिब्बा होता है काफ़ी ट्रेनों में A1 नाम से, तो इसको मैं सिलेक्ट नहीं कर रहा। बट अगर आप स्लीपर में सफ़र करना चाहते हो और आप चाहते हो कि आपकी पसंद का डिब्बा इसमें मिले, तो आप कोई भी S8, S7 जो आप चाहते हो वो आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हो। अब आपको इतना करके दोस्तों आपको रिव्यू जर्नी डिटेल पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ दोस्तों देखिए हमारी डिटेल आ चुकी है, चार सीट अवेलेबल है जिसमें दोस्तों मैंने दो टिकट यहाँ सिलेक्ट किए हैं, दो पैसेंजर डाले हैं। अब इसके बाद दोस्तों इतना डालने के बाद हमारी जो टिकट है वो हमारे ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पर दोस्तों सेंड कर दी जाएगी, क्योंकि दोस्तों हमने जो भी सिलेक्ट किया है वो अपने मन मुताबिक किया है, सीट का नंबर, सीट का दोस्तों अपर डबर जो भी होता है वो सब अपर और लोअर में। दोस्तों अब हमने जो भी सीट सेलेक्ट की है वही अगर कंफर्म होती हैं तभी हमारी उसी टाइम पे हमारी टिकट कंफर्म होंगी, अगर वो सीट अवेलेबल नहीं है तो अभी वो दोस्तों कंफर्म नहीं होंगी जब तक वो अवेलेबल नहीं हो जाती, क्योंकि वैसे भी काफ़ी टाइम है अगस्त को आने में। अब दोस्तों आपको करना है यहाँ पर जो कैप्चा दिया गया है इसको यहाँ पर फिल कर देना है, तो मैं करता हूँ फिर आपको दिखाता हूँ। अब यहाँ दोस्तों कैप्चा फिल करने के बाद आपको प्रोसेस टू पे पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ दोस्तों आपको अपना पेमेंट जो ऑप्शन है वो सिलेक्ट कर लेना है, तो दोस्तों मैं करता हूँ फ़ोन पे सिलेक्ट। हाँ दोस्तों मुझे डालना पड़ेगा मोबाइल नंबर, नंबर डालने के बाद मुझे दोस्तों सेंड OTP टू लॉगिन पर क्लिक कर देना है। अब मुझे जो OTP मिला दोस्तों वो मुझे यहाँ पे डाल देना है। तो दोस्तों देखिए अब मुझे यहाँ पे पेमेंट, यहाँ पे मुझे अपना कार्ड नंबर डालना है CCV वाला, जैसे नंबर दोस्तों मैं डालता हूँ तो मेरी टिकट कंफर्म हो जाएंगी, बुक हो जाएंगी, मैं आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों ये देखिए हमारी दोस्तों जो टिकट हैं बुक कन्फर्म हो चुकी हैं, ये देखिए कोच A1 जिसमें दोस्तों बर्थ है 43,
और 200 दूसरी टिकट है A1 जिसमें बर्थ है दोस्तों 44, तो जो सीट हमें मिली है जिसमें दोस्तों मैंने आपको बताया था कि मैंने उसमें लगी उसमें दोस्तों मैंने सेलेक्ट किया था, कम से कम हमें एक सीट तो मिली जानी चाहिए जो हमने सेलेक्ट किया। तो दोस्तों देखिए मुझे एक नीचे की मिली है, एक ऊपर की मिली है। अगर मैं दोनों सेलेक्ट करता तो दोस्तों अगर अवेलेबल होती तो दोनों भी मिल जाती हैं, बट दोस्तों एक मिली है तो कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से दोस्तों आप अपने पसंद से कोई भी सीट बुक कर सकते हो।